हेलो गाइस, क्या आप एक बढ़िया स्मार्टफोन लेना चाहते हैं? क्या आप एक बजट स्मार्टफोन लेना चाहते हैं? यानी आपका अगर एक 15,000 रुपए का बजट है और उसमें आप एक बढ़िया स्मार्टफोन लेना चाहते हैं जिसके अंदर आपको एक बढ़िया फुल HD प्लस डिस्प्ले चाहिए और क्वाड कैमरा सेटअप चाहिए और एक बढ़िया प्रोसेसर वाला स्मार्टफोन चाहिए और साथ में एक बड़ी बैटरी यानी 5000 mAh की बैटरी में एक बढ़िया स्मार्टफोन लेना चाहते हैं, तो मैं आपको इस वीडियो के अंदर टॉप 5 स्मार्टफोन अंडर 15,000 में बताने वाला हूं। इसके लिए आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। हेलो गाइस, मैं हूं देसाई, हमेशा की तरह टेक्नोदेसाई यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो पांचवें नंबर पर हमारा स्मार्टफोन आता है रियलमी नार्जो 20, जो कि एक बढ़िया और अविस्म स्मार्टफोन है। इसकी स्पेस और फीचर्स की बात करो तो इसके अंदर आपको मीडियाटेक हेलियो G95 का एक बढ़िया प्रोसेसर आपको मिलता है, जिसमें आप एक बढ़िया और अच्छी अच्छी गेमिंग कर सकते हैं। इसके कैमरे की बात करो तो बैक साइड के अंदर आपको क्वाड कैमरा सेटअप मिलता है, जो 48+8+2+2 LED फ्लैश के साथ में मिलता है। और वही बात करो फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा आपको स्मार्टफोन के अंदर देखने को मिल जाता है। वही बात करो इसके डिस्प्ले की तो 6.5 इंच की डिस्प्ले मिलती है, साथ में एक IPS LCD और पंच होल डिजाइन के साथ में आपको डिस्प्ले मिलता है, जिसके अंदर आपको 90Hz का रिफ्रेश रेट मिलता है और फ्रंट और बैक में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन भी देखने को मिल जाता है। इसकी बैटरी की बात करो तो 4500 mAh की बैटरी मिलती है और साथ में वो फास्ट चार्जिंग मिलता है। और वही अभी बात करें इसके रैम की तो 6GB रैम मिलती है और 64GB का स्टोरेज आपको देखने को मिलता है और साथ में ट्रिपल कार्ड स्लॉट भी देखने को मिल जाता है, जिसके अंदर 2 SIM कार्ड लगा सकते हैं। एक माइक्रो SD कार्ड के सपोर्ट से 256GB तक का स्टोरेज आप लगा सकते हैं। तो वही बात करूँ इसके प्राइस की, 6GB रैम और 64GB स्टोरेज वाले प्राइस की बात करो तो आपको यह स्मार्टफोन 13,000 रुपये के आसपास स्मार्टफोन देखने को मिल जाता है। तो चौथे नंबर पर हमारा स्मार्टफोन निकल कर आता है Realme 7, जो कि एक बढ़िया और एक अविस्म स्मार्टफोन है। इसकी स्पेस और फीचर्स की बात करो तो इसके अंदर आपको MediaTek Helio G95 का एक बढ़िया प्रोसेसर आपको देखने को मिल सकता है, जिसमें आप गेमिंग वगैरह बहुत ही अच्छी तरह से कर सकते हैं। वही बात करूँ इस स्मार्टफोन के डिस्प्ले की तो इसके अंदर आपको 6.5 इंच का फुल HD प्लस एक IPS डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, साथ में आपको पंच होल डिजाइन भी डिस्प्ले के अंदर देखने को मिल जाती है, साथ में आपको 90Hz का रिफ्रेश रेट, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन भी आपको स्मार्टफोन के अंदर देखने को मिल जाता है, जो कि एक बहुत ही बेहतर स्मार्टफोन है। तो वही बात करूँ अगर इसके रैम की तो इसके अंदर आपको 6GB का रैम मिल जाता है और 64GB का स्टोरेज मिल जाता है और साथ में आपको माइक्रो USB कार्ड का ऑप्शंस भी मिल जाता है, जिसके अंदर 256GB तक आप स्टोरेज को बढ़ा सकते हैं। वही दोस्तों अगर बात करूँ इस स्मार्टफोन की क्वाड कैमरा सेटअप की तो बैक साइड के अंदर आपको 64MP का मेन कैमरा मिल जाता है और 8MP का अल्ट्रा वाइड एंगल और 2MP का माइक्रो और 2MP का डेप्थ सेंसर आपको मिल जाता है, साथ में आपको LED फ्लैश भी मिल जाती है। वही बात करें अगर इसके इस फ्रंट में तो 16MP का फ्रंट कैमरा आपको स्मार्टफोन के अंदर देखने को मिल जाता है। और बात करो इसके बैटरी की तो बैटरी में 5000 mAh की बैटरी मिल जाती है, उसमें सुपर डॉट 30W का फास्ट चार्जर मिल जाता है। दोस्तों भी रही बात इस स्मार्टफोन के प्राइस की तो 6GB रैम और 64GB स्टोरेज वाला वेरिएंट आपको 14,999 रुपये के अंदर स्मार्टफोन मिल जाएगा। स्मार्टफोन को खरीदना चाहते हैं और देखना चाहते हैं सारी डिटेल में तो लिंक मिल जाएगा आपको इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां जाकर इसके देख सकते हैं। अब बात करते हैं हमारे तीसरे स्मार्टफोन की, जो वो भी आता है एक रियलमी की और से Realme 6, जो कि एक बढ़िया और एक बजट स्मार्टफोन है। इसकी बात करूँ स्पेस और फीचर्स की तो इसका प्रोसेसर है वो मिलता है MediaTek Helio G90T, जो कि एक बढ़िया और एक अच्छा प्रोसेसर है।
मिड रेंज के हिसाब से। अब बात करते हैं इसके डिस्प्ले की, तो इस स्मार्टफोन के अंदर आपको 6.5 इंच का फुल HD प्लस IPS डिस्प्ले मिलता है, साथ में आपको पंच होल डिजाइन के साथ में स्मार्टफोन मिलता है, साथ में आपको 90,000 का रिफ्रेश रेट, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन भी आपको स्मार्टफोन के अंदर मिल जाता है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। वही अभी बात करते हैं इस स्मार्टफोन के स्टोरेज और रैम की, तो 6 GB रैम मिलती है और 64 GB स्टोरेज आपको स्मार्टफोन के अंदर देखने को मिल जाती है। और वही बात करूँ इसकी क्वाड कैमरा सेटअप की, तो बैक साइड के अंदर आपको 4 क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, जो कि 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, प्राइमरी कैमरा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल, 2 मेगापिक्सल का मोनो कैमरा और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर, साथ में आपको LED फ्लैश भी मिल जाती है। अब बात करते हैं फ्रंट कैमरे, तो फ्रंट कैमरा आपको 16 मेगापिक्सल का मिल जाता है, सिंगल कैमरा आप नोते आपको इसके अंदर मिल जाती है, LED फ्लैश वगैरह कुछ भी नहीं। अब बात करते हैं इसकी बैटरी की, तो इस स्मार्टफोन के अंदर आपको 4300 mAh की बैटरी मिलती है, साथ में आपको फ्लैश एंड फास्ट चार्जिंग मिलता है 30 वोल्ट का, जो 40% चार्ज सिर्फ 15 मिनट के अंदर करने का दावा करती है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं इस स्मार्टफोन के प्राइस की, तो 6 GB रैम और 64 GB स्टोरेज वाला वेरिएंट आपको मिल जाएगा सिर्फ 12,999 रुपये के अंदर, जाकर देख सकते हैं। तो अब बात करते हैं एक ऑलराउंडर स्मार्टफोन की, जिसमें आपको सभी फीचर्स मिलेंगे, वो भी बढ़िया क्वालिटी में, बढ़िया डिस्प्ले, एक अच्छा परफॉर्मेंस। तो अब बात करते हैं हमारे दूसरे स्मार्टफोन की, जो कि एक Redmi की ओर से आने वाला है, Redmi Note 9 Pro, जो कि एक ऑलराउंडर एक बढ़िया आलिशान स्मार्टफोन है। तो चलिए बात करते हैं फटाफट इस स्मार्टफोन के स्पीस और फीचर्स की। तो दोस्तों इसके अंदर आपको बात करें Qualcomm Snapdragon 720G का प्रोसेसर मिल जाता है, जो कि एक बहुत ही बढ़िया और एक अच्छा प्रोसेसर है। और वही अभी बात करूँ इसकी डिस्प्ले की, तो 6.67 इंच की फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले मिलता है, और साथ में आपको पंच होल डिजाइन भी स्मार्टफोन के अंदर मिल जाता है, और साथ में आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन भी देखने को मिल जाता है, जो कि एक बहुत ही बढ़िया और अच्छी बात है। अब बात करते हैं इस स्मार्टफोन के स्टोरेज की, तो इसके अंदर आपको 4 GB रैम मिलती है और 128 GB का स्टोरेज भी आपको स्मार्टफोन के अंदर देखने को मिल जाता है। अधिक मेमोरी और स्टोरेज के लिए आपको माइक्रो SD कार्ड के मदद से 512 GB तक स्टोरेज को बढ़ा सकते हैं। तो अब बात करते हैं कैमरा सेटअप की, तो बैक साइड के अंदर आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, जो 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल, 5 मेगापिक्सल का माइक्रो कैमरा और 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर आपको स्मार्टफोन के अंदर मिल जाता है, साथ में आपको LED फ्लैश भी स्मार्टफोन के अंदर देखने को मिल जाते हैं। फ्रंट कैमरे की बात करें तो 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाएगा आपको। और बात करूं बैटरी की, तो 5020 mAh की आपको स्मार्टफोन के अंदर बैटरी मिलती है, साथ में 18 वोल्ट का फास्ट चार्जिंग भी स्मार्टफोन के अंदर देखने को मिल जाता है। दूसरा आपको 4G नेटवर्क, वाईफाई, ब्लूटूथ, सभी फीचर्स आपको स्मार्टफोन के अंदर देखने को मिल जाते हैं। आपको इसके अंदर अच्छी अच्छी गेमिंग करने को मिल जाएगी और भी आपको इसके अंदर बहुत कुछ मिलने वाला है। और तो अभी बात करते हैं इस स्मार्टफोन के प्राइस की, तो 4 GB रैम और 128 GB स्टोरेज वाला वेरिएंट आपको 14,499 रुपये के अंदर आपको मिल जाएगा। अगर आपको इस स्मार्टफोन को ख़रीदना चाहते हैं तो लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां जाकर आप इसे देख सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं हमारे पहले स्मार्टफोन की, तो चलिए वो कौन सा स्मार्टफोन है वो भी हम इस जान लेते हैं। तो दोस्तों अब मैं बात करता हूँ हमारे पहले स्मार्टफोन के बारे में, जो कि आता है पोको की ओर से, पोको M2 Pro, जो कि एक बहुत ही बढ़िया और एक अवेशम स्मार्टफोन है। चलिए बात करते हैं इसके स्पीस और फीचर्स की, तो इसके अंदर आपको मिलता है Qualcomm Snapdragon 720G
का एक बढ़िया प्रोसेसर जिसमें आप बढ़िया अच्छी अच्छी गेमिंग खेल सकते हैं। अब बात करते हैं इसके डिस्प्ले की, तो 6.67 इंच का फुल HD प्लस एक IPS LCD डिस्प्ले मिलता है। इसके अंदर 60Hz का रिफ्रेश रेट मिलता है और कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन भी स्मार्टफोन के अंदर मिल जाता है। साथ में आपको 20.9 का एस्पेक्ट रेशियो मिलता है और 2480x1080 pixels का स्क्रीन रेजोल्यूशन भी स्मार्टफोन के अंदर आपको मिल जाता है। तो अब बात करते हैं इस स्मार्टफोन के स्टोरेज की, तो 6GB रैम मिल जाती है और 64GB स्टोरेज आपको स्मार्टफोन के अंदर मिल जाता है और अधिक जरूरत पड़े तो माइक्रो SD कार्ड की जरूरत से 512GB तक स्टोरेज को बढ़ा सकते हैं। तो अब बात करते हैं क्वाड कैमरा सेटअप के बारे में, तो बैक साइड के अंदर आपको 4 रियल कैमरा सेटअप मिल जाता है जो कि 48MP का प्राइमरी कैमरा, 8MP का अल्ट्रा वाइड एंगल, 5MP का माइक्रो कैमरा और 2MP का डेप्थ सेंसर। साथ में आपको LED फ्लैश भी मिल जाती है। वही फ्रंट कैमरे की बात करें तो 5000mAh की 16MP का प्राइमरी कैमरा आपको फ्रंट में देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं बैटरी, तो 5000mAh की बैटरी मिल जाती है। साथ में आपको 33V का फास्ट चार्जिंग मिल जाता है इसके अंदर, जो कि 50% आपको सिर्फ 30 मिनट के अंदर चार्ज होता है। और बाकी बात करें कनेक्टिविटी फीचर्स की, तो 4G सपोर्ट मिलता है, ड्यूल सिम मिल जाती है और साइड में आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाते हैं। सभी सेंसर्स आपको स्मार्टफोन के अंदर देखने को मिल जाते हैं। तो अब बात करते हैं इसके प्राइस की, तो आपको 6GB रैम और 64GB स्टोरेज वाला वेरिएंट आपको 13,999 रुपये के अंदर मिल जाएगा। तो दोस्तों, इस 500 स्मार्टफोन्स में से आपको कौन सा स्मार्टफोन अच्छा लगा है और कौन सा स्मार्टफोन आप खरीदना चाहते हैं अंडर 15,000 बजट के अंदर, हमें कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी ना भूले, क्योंकि आप जो भी देंगे रिस्पांस आपको कौन सा स्मार्टफोन अच्छा लगा है और कौन सा स्मार्टफोन आप खरीदना चाहते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी ना भूले, क्योंकि मैं आपके लिए और भी इसी तरह की वीडियो लेकर आता रहूँगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि अगर कोई भी आपका दोस्त भी कोई अंडर 15,000 बजट के अंदर स्मार्टफोन लेना चाहते हैं, अगर वो भी कंफ्यूजन में, तो इस वीडियो के माध्यम से वो भी एक बढ़िया स्मार्टफोन यहाँ पर सेलेक्ट कर सकता है। दोस्तों, आज की बस वीडियो में इतना ही, मिलूंगा एक अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए, क्योंकि इस तरह की वीडियो आपके लिए हर रोज लेकर आता हूँ। तो आज के वीडियो में इतना ही, जय हिंद।